आप सभी बहुत नमस्ते, जय श्री राम। हम सौभाग्यशाली रहे कि मैं इतना लेट आया इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी मुझे उनके साथ में सर मिलाने का मौका मिला। पहली बार सुरेश वाडकर जी के थ्रू मैं उनसे अजीब आसन में मिला था, मुझे याद है। और बहुत ही कला प्रेमी, क्योंकि अंदर से वो कलाकारी थे। और उसके बाद में आपके साथ, स्मिता जी के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला। और वो फिल्म बहुत भयंकर कबा की हिट हुई थी, उसी का मान जाएगी आगे भी बहुत। तो मैं मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने बड़े ऐसी हस्ती ये थी कि जो भारत जो आज तेवर दिख रहा है, महाराष्ट्र के तेवर बहुत पहले दिख चुका है। उदय जी आपको नमस्ते, धीरज जी आपको नमस्ते, गुरु जी आपको नमस्ते, स्मृति जी आपको नमस्ते, जीतू जी प्रणाम, चीची भाई नमस्ते। जी जा रही है। जरा जोरदार तालियां हो जाए आते हुए एक बहुत ही बड़ा काम फिल्म इंडस्ट्री के जो वर्कर्स हैं उनके लिए होने जा रहा है। और उसके लिए ये जो अमाउंट दी जा रही है मुक्ति फाउंडेशन की ओर से, थैंक यू सो मच। मैं स्मिता जी से गुजारिश करूंगा कि मंच पर सभी महानुभावों का हम स्वागत करेंगे। गुरुजी एक मिनट रुकिए, उदय जी जरा एक मिनट रुकिए। जीतू जी सोनू जी प्लीज योर रिक्वेस्ट। मैं स्मिता जी से गुजारिश करूंगा, एक यूनिक मोमेंटो बनाया है। बाला साहब ने एक जबरदस्त कार्टून छपी थी, तो एक कार्टून जो कि कॉमन मैन की प्रतिकृति माना जाता है, वो कॉमन मैन मोमेंटो के तौर पर दिया जा रहा है। और ये शॉल हमारी ओर से प्यार मोहब्बत का एक प्रतीक के रूप में आपको दी जा रही है। सभी मंच पर महानुभावों को उसका स्वीकार करें। उदय जी आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इसे स्वीकार करें। महाराष्ट्र राज्य से सम्माननीय उद्योग मंत्री श्री उदय सामंत जी यांच्या ठिकाणी स्मिता जी शुभ हस्ते सत्कार केला जातो। त्यांनी स्वीकार करावा। सन्माननीय जितेंद्र जी, फाउंडेशन की ओर से स्मिता जी के हाथों आपका ये सम्मान किया जा रहा है। गोविंदा जी, स्मिता जी की ओर से आपके लिए ये मुक्ति फाउंडेशन की ओर से प्यार। और सोनू जी, आप सभी से गुजारिश, तालियों के साथ हम इस घड़ी को और संवारने की कोशिश करेंगे। ड्रॉ किया हुआ पहला कॉमन मैन है, इसके बारे में ट्रॉफी बनाइए जो कि आपके घरों में रहेगी, जो साहब ने, साहब का क्या बोलते हैं जी जी, थैंक यू सो मच। Thank you.
साहब का लाइट ज्यादा कुछ कह रही एक्सक्यूज मी सब लोग बैठ जाएं तो अच्छा एक्सक्यूज मी सबको बिठा देंगे शशि नंतर काढूंगे कारण मी थोड़ा सा बोलते हैं सो कैन आई जस्ट रिक्वेस्ट आप प्लीज बैठ जाइएगा आज का प्रोग्राम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और Congratulations on putting up such a wonderful show and keeping Bala Saheb's memory so much alive within us. Aaj ka din bahut khaas hai and you always make it special at the foundation. Tell us your thought jab aapne ye conceptualize kiya, aapne socha ek aisa musical grand tribute hona chahiye. Pehli baat to aapko sabko Ayodhya mein Ram aaye hain to sabko badhai dena chahungi. Jai Sri Ram, Jai Shri Krishna. साहब एक एहसास जो नाम ही हमने सोचा है और एहसास जो है जो हमारे दिल में है और हमेशा रहा है हमेशा रहेगा क्योंकि साहब की मेमोरीज़ के लिए या किसी को लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमेशा हमारे जहन में रहते हैं बहुत ही छोटा सा प्रयास मैं कर रही हूँ क्योंकि उनके जन्मदिन की इतनी सारी मेमोरीज़ हमारे दिल में है हमारे लिए वो एक त्यौहार था और आज 11 साल गुजर गए साहब हमारे बीच में शरीर के रूप में नहीं है पर हमारे अंदर उनका एहसास है इसलिए हमने ये नाम भी चुना बात अगर उनके बारे में कहने की है तो वो बहुत ही सूरज को इनका दिखाने जैसी बात होगी साहब के बारे में सबको पता है और हम इतना ही कहना चाहेंगे कि हम उनको भूलेंगे नहीं और ना ही हमारा देश उनको भूलेगा आज जो भी पूरे देश में होने जा रहा है या हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से मुझे पूरा यकीन है कि उनकी आत्मा को बहुत शांति मिली होगी क्योंकि उनका एक स्वप्न था वहाँ मंदिर को और कार्यक्रम में बहुत सारे उनके लोग थे और उन्होंने बहुत जिगर से बोला कि हाँ मेरे लोग थे तो ये उनका एक स्वभाव था कि जो भी किया है वो छाती पर बोल देते थे हमने बहुत कुछ सीखा है एज अ लीडर और उनके साथ अगर हमने वक्त बिताया है उनके घर में हम रहे हैं तो हमारा वो सौभाग्य था कि हमने आज जो भी सीखा है आपके सामने जो भी मैं खड़ी हूँ जिस भी व्यक्तित्व से वो केवल और केवल उनका आशीर्वाद उनका मार्गदर्शन इसीलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ आप फिल्म इंडस्ट्री से और म्यूजिक से बहुत लगाव था उनका और उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है उनके उसके लिए क्या कहना है मैं तो कहूँगी कि वो राजनेता थे ही नहीं पॉलिटिशियन थे ही नहीं उनके अंदर एक छोटा सा बच्चा था जो कि हमारे सबके अंदर होता है पर हमने वो बहुत नज़दीक से देखा है और रही बात अगर म्यूजिक की या संगीत संध्या किरदार की एक्टिंग वो तो उनके खून में था उनके पिताजी भी एक्टिंग करते थे और पॉलिटिक्स में आना ये उनका नसीब था पर अंदर के जो बाला साहब है वो एक कलाकार थे और कलाकार है क्योंकि वो कलाकार का हृदय जानते हैं वो कलाकार की समस्या जानते हैं वो उनके बारे में बहुत आत्मीयता से पूछते हैं उनको मिलते थे तो हमने वो बहुत नज़दीक से देखा और हमें इतना सौभाग्य था कि हमको उस इंडस्ट्री का एक पार्ट होने का मौका मिला और वो भी उनकी कृपा से हुआ हमने हसीना मांझा ही जब बनाई थी तभी उनको हमने अपना वो जिक्र किया कि हम बनाना चाहते हैं तो बोलते ये फिल्म इंडस्ट्री तुम्हारे मिस तुम जेल पाओगी उसको मिस वो जो भी कहानियाँ होती हैं फिल्म इंडस्ट्री की पर जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में एंटर किया तभी मुझे पता चला कि ये बहुत ही खूबसूरत इंडस्ट्री है ऐसा कुछ नहीं है जो जो कहाँ सुना होता है हम तो तभी बहुत ही सिर्फ पहाड़ी कई सुनाने बातें सुनते थे पर क्या जब भी जो भी निर्णय हमने लिया कि फिल्म इंडस्ट्री में जाने का उन्होंने कभी हमको रोका नहीं
और मुझे लगता है कि मैंने हर महिला को प्रोत्साहित किया है कि अगर वो कोई भी काम करना चाहती है और अपने पैरों पे खड़ी रहना चाहती है, उन्होंने हमेशा यही कहा है कि एक हाउसवाइफ तो बहुत ही बढ़िया है, अगर आप अपना घर संभालिए वो भी बहुत बड़ा कार्य है, पर अगर आप बाहर का काम सीखना चाहती हैं तो ज़रूर सीखिए, अपने घर का सहयोग लीजिए। और उतनी ताकत तो हमारे औरतों में होती है कि हम बाहर का और घर का काम दोनों बैलेंस तरीके से हम संभाल सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा औरतों को प्रोत्साहित किया है और हमें भी प्रोत्साहित किया, और शायद इसलिए हम यहाँ खड़े हैं। एक्चुअली मैं थोड़ी सी एक बच्चों के मामले में कोई भी चीज़ अगर उनको ईजीली मिले, इस मामले में मैं फॉर नहीं हूँ कोई भी चीज़ अगर मिले हो ना या कुछ भी हो, क्योंकि हमने हमारे पिताजी ने हमको ये कहा गया था कि ये करो तो आपको ये मिलेगा, तो वो चीज़ हमने फॉलो करने की कोशिश की कि उनके हमारे बच्चों को भी स्पॉइल ना करें, क्योंकि जो भी नया खिलौना घर में आता था तो साहब पहले उनको बच्चों को मंगाते थे, और लिटरली पूरे जितने भी बच्चे हमारे घर में थे, मेरे बच्चे, मेरे बड़े देवर के, मेरे छोटे देवर के, तो सब लोगों को वो खुशबू आ जाती थी कि अभी नए खिलौने आ गए हैं, और फिर उनके यहाँ पूरा तादाद में सब लोग खड़े थे, जो पहला जाएगा उसकी पहली चॉइस, तो वो कहीं ना कहीं वो इतना सुंदर क्षण होता था। और हमेशा मैं उनको कहती कि उनको वैल्यू नहीं मिलेगी कि मैं वो क्यों, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसके बाद आप मुझे टोकोगी नहीं कोई खिलौने के लिए या किसी के लिए आप टोकोगी नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने अपना बचपन एक खाली बोतल के साथ खेलने में लगाया। बहुत ही ऐसी कहानियाँ हैं आपके सामने, अगर कहने जाओ तो सालों साल लगेंगे। खैर, ये छोटी सी एक किस्सा मैंने आपको बताया, पर ऐसे बहुत सारे किस्से हैं जिसमें वो बहुत दिल को छूते हैं, और उनका जो पास्ट था, उनका बचपन था, या उन्होंने कैसे अपने आप को यहाँ तक पहुँचा है, उसमें जो भी जिद थी या जो भी स्ट्रगल था वो शायद ही किसी फिल्म या किसी पुस्तक या किसी में लिखा होगा। पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहा है और हम उनको बहुत मिस करते हैं। धन्यवाद। मैम लेफ्ट हैंड मैम, थोड़ा सा आगे जी मैम, इधर मैम थोड़ा सा इधर।